गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ वीरू, मेरे साथ शिल्पा राउत और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और SBI सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज कोटक महिंद्रा AMC के MD और CEO नीलेश शाह से होगी एक खास बातचीत, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा नज़र डालते हैं मार्केट पर और मार्केट एट डेज लो। अब 24,280 पर निफ्टी, और तैयारी कर लीजिए, ये अगर रेड में भी आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। खासतौर से बैंक निफ्टी अगर रेड में आ जाए, बहुत जल्दी बैंक निफ्टी रेड में आ जाए तो हैरानी नहीं होगी मुझे। सिर्फ 150 पॉइंट ऊपर रह गया है बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स भी नीचे, मिड कैप इंडेक्स मतलब ऊपर से नीचे। सिर्फ एक इंडेक्स है जो मार्केट को सहारा दिए हुए, वो है IT। IT क्लियरली इस समय मोमेंटम है, अपनी एक अलग ही धुन में चल रहा है निफ्टी IT। वो ग्लोबल क्यूज का पूरा फ़ायदा उठाता हुआ 703 पॉइंट ऊपर निफ्टी IT। सारे टॉप गेनर्स एफेंड होकर, सिर्फ एक DLF को छोड़ दें आप तो IT से हैं। एम्फेसिस, LTTS, LTIM, Oracle, बिरला सॉफ्ट, TCS और DLF करीब करीब 4% ऊपर। बट अनुज, वो बैंक निफ्टी का कोलैप्सिंग बिहेवियर क्या पैसा देखेगी आज सुबह सुबह, है ना, क्या गजब रहा। और मेरे ख्याल से डे हाई से 300, 400, 410 अंक बिल्कुल। और सबसे बड़ी ट्रेड यही प्ले आउट हुई बिल्कुल, कि जहाँ गैप अप फेल हो वहाँ सेल कर। एक क्लियरली अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट लगाकर उस पर 10 DMA ड्रॉ कर देना, तो मंगलवार की सेशन की कैंडल का हाई यही था और आज की सेशन की कैंडल का हाई भी यही है। ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, मेहमान आपके सारे स्क्रीन पे हैं। और अमोल जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स आज के। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। पहला तो मैं IT इंडेक्स के साथ जाना चाहूँगा। IT इंडेक्स में आज मोमेंटम है तो मैं एक विप्रो के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक विप्रो अच्छा लग रहा है। 503 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये 535 और 540 के टारगेट्स निकल के आ रहे, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 490 का। आई थिंक डेली और वीकली दोनों चार्ट्स में ये रिवर्सल है। 3-4 वीक्स का करेक्शन हुआ है और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है अगर IT इंडेक्स में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में विप्रो भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है पॉजिटिव साइड पे। दूसरा मैं एक सेफ बेट लेना चाहूंगा। आज थोड़ा बैंक निफ्टी में वापस से दबाव दिख रहा है तो मैं एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा। 2725 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट 2810 जो उसका प्रीवियस स्टॉप भी है, वहां तक ये बाउंस बैक हो सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2665 का। ओके, चलिए शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी दो ट्रेड्स। अनुज जी, एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। बाय रहेगा कोफोर्ज में। कोफोर्ज मुझे लगता है यहाँ पे 6000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इसके नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड है फॉर टारगेट्स ऑफ 6200। तो यहाँ पे आप इसको फ्यूचर्स में भी प्ले कर सकते हैं या फिर 6200 का कॉल ऑप्शन जो रफली मैंने 95-96 रुपीज में आज सुबह प्रभुदा सीलाधर में भी रेकमेंड किया है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 70 का रख सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 150 प्लस। अदरवाइज फ्यूचर्स में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप जस्ट 6000 के नीचे इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है फॉर टारगेट्स ऑफ 6200। मेरा दूसरा रहेगा सेल रहेगा SBI लाइफ में। SBI लाइफ बिलो 1700 अभी ट्रेड कर रहा है जो इसके लिए नेगेटिव है। जब तक 1700 के नीचे रहेगा इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको 1640 से लेके 1620 के लेवल्स तक भी एक बार ड्रैग कर सकता है। तो SBI लाइफ फ्यूचर्स में भी आप सेल कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस एट 1705 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1640 से लेके 1620। ओके सुदीप जी, आपके ट्रेड संक्षेप में प्लीज। वीरू जी, मुझे लग रहा है कि IT में एक स्टॉक जो बहुत ज्यादा अभी अच्छे मोमेंटम में वो टेक महिंद्रा है। अब देखिए पिछले 6-7 दिन का जो एक कंसोलिडेशन था, स्टॉक ने वहां से ब्रेकआउट दिया और अब डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा है टेक महिंद्रा इज रेडी टू मूव अप। और पूरा जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1560 का भी है, उसके ऊपर भी निकल सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ से बाय करना चाहिए, 1525 का स्टॉप लॉस और 1585 का टारगेट। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है MCX। MCX में यहाँ पे हमने देखा था एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है स्टॉक वीकली और मंथली चार्ट्स पर। और जो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने एक बार जो 43-30 का जो एक सपोर्ट जोन था उसको भी रीटेस्ट करके आज हमने देखा कि स्टॉक ने अपने जो प्रायर हाईस के ऊपर अप स्विंग निकाला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेटअप है और रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत बेटर है कंपेयरिंग टू अदर मिड कैप्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है MCX को बाई किया जा सकता है 4430 के स्टॉप लॉस से 4600 और 4650 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब
आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जुड़ गए। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई एक सवाल, क्या मार्केट को ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है और जो सीधा सेबी चीफ पर सवाल उठाएं, क्या इसका ओवरहैंग लग रहा है कि अभी भी बना हुआ है? क्योंकि हमारी मार्केट अब जो एक ग्लोबल मार्केट को इतनी शानदार तरीके से आउट परफॉर्म करती थी, अब अंडर परफॉर्म करने लग गई है थोड़ी सी पिछले 7-8 दिन से। अनुज भाई हमने इतना अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 25 सालों में, हमारी वैल्यूएशन और लोगों से कहीं ऊपर है, तो जाहिर है कि कुछ समय के लिए कुछ लोग हमसे आगे बढ़ पाएंगे। बट हमें नहीं लगता है कि ये जो मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस है दूसरी मार्केट के सामने, यह कोई बड़ी बात है। जब आप इतना बढ़े हैं तो थोड़ी रुकावट थोड़ी गिरावट काफी नॉर्मल है। कल ही अनुज भाई मैंने ट्वीट किया था कि हमारी लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप $3 trillion के ऊपर है, वो बड़ी बड़ी दिग्गज मार्केट यूके फ्रांस उनसे ज्यादा है। स्मॉल एंड मिड कैप का मार्केट कैप $2 trillion के आसपास है, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के मार्केट कैप से ज्यादा है। तो हमारी मार्केट बहुत भाग चुकी थी, इसलिए शायद दूसरी मार्केट हमसे कैचअप कर सकती है। मैं आने वाला था उस ट्वीट के ऊपर, बहुत शानदार ट्वीट थी वो, और नीलेश भाई की वो ट्वीट जो थी उसमें उन्होंने कैगर रिटर्न्स भी बताए हैं और कितना मार्केट कैप हो गया वो भी है, करंट मार्केट कैप $1 trillion में, और स्मॉल कैप का $1 trillion मार्केट कैप हो गया हमारा अभी। हाँ मतलब इंटरेस्टिंग है कि स्मॉल कैप का मिड कैप से भी ज्यादा मार्केट कैप हो गया है। क्या थोड़ा डरने की जरूरत है फिर यहाँ पर? सो अनुज भाई हम तो काफी समय से कह रहे हैं कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मोमेंटम पे कम, जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, मार्केट प्राइस डिस्कवर हो रहा है अप्रोप्रिएटली वहां पे निवेश करिए, लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर से थोड़े दूर रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, और ऐसी मार्केट में ऐसे स्टॉक में निवेश करिए जहां पे वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। कहीं स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप में वैल्यूएशन अब उस लेवल पे पहुंचा है कि कंपनीज कंपनी नहीं सुपरमैन आयरन मैन जैसी बन जाएगी, उस प्रकार का उन्हें परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। सुपरमैन आयरन मैन ये सब कॉमिक्स की किताब में मिलते हैं, रियल लाइफ में कहां मिलेंगे। अच्छा नीलेश भाई नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये नए टैक्स रूल्स के बीच में एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या लोगों का HNIs का रुझान फिर म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रहा है वर्सेस PMS? हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो भी आई थिंक PMS पर फोकस कर रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स पर फोकस कर रहे होंगे, लेकिन क्या टैक्स बेनिफिट्स अब सिंपली म्यूचुअल फंड्स में अच्छे हैं? क्योंकि वहाँ चर्निंग बहुत करता है आपका PMS मैनेजर जो है स्टॉक्स में। सो अगेन वीरू भाई ये निवेशक के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे म्यूचुअल फंड चाहिए, PMS चाहिए, AIF चाहिए। टैक्स बेनिफिट मतलब कोई उतना बड़ा नहीं है, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, हमारे वहां पे भी वही है, शॉर्ट टर्म में 20% है, यहाँ पे भी वही है। हाँ PMS में जब भी आप प्रॉफिट बुक करें तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में जब आप रिडीम करें तब टैक्स भरना पड़ता है, तो थोड़ा टैक्स एडवांटेज म्यूचुअल फंड की तरफ जरूर है। बट मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया व्हीकल है। और HNI के लिए PMS और म्यूचुअल फंड दोनों पोर्टफोलियो में बरकरार रह सकते हैं। नीलेश जी स्पेशली ये जो अर्निंग सीजन गया, बहुत विश्लेषक और आई थिंक एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार की अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं रही, इस अर्निंग सीजन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? स्पेशली वो एक इंडेक्स जो निफ्टी के बगल में खड़ा होकर, निफ्टी बैंक हमेशा हमारी तेजी को स्पॉन्सर कर रहा है, इस बार बैंक्स के NIMs हल्के से प्रेशर में
और एक चुनौती जो आप लोगों ने बैंकों के लिए खड़ी कर दी है कि सेविंग अकाउंट से पैसा निकल के सीधे सीधे म्यूचुअल फंड्स पे आ रहा है, वो बैंकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पोस्ट कर रहे हैं। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बैंक्स को इन नंबर्स के बाद आप कैसे रीड कर रहे हैं? तो वीरेंद्र, पहले तो ये एक जो है कि म्यूचुअल फंड बैंक डिपॉजिट्स को लेके जा रहे हैं वो एकदम ही गलत है। आरबीआई का खुद का डेटा देख लीजिए, एफआई 21 से एफआई 23 के बीच में इंडियन हाउसहोल्ड के जो सेविंग्स था उसका अलोकेशन 4 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में था, 2 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी बॉन्ड्स डिबेंचर्स और कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट में था, 9 लाख करोड़ रुपया करेंसी नोट में था। वीरू भाई, भारत में करेंसी नोट बांटते कौन है? यही बैंक बांटते हैं। क्या वो अपने कस्टमर के पीछे जा सकते हैं और समझा सकते हैं कि ये 9 लाख करोड़ रुपए आप करेंसी नोट में क्यों रखे हैं? बैंकों के बहुत सारे कस्टमर बिलीव करते हैं कि घर में करेंसी नोट रखे तो दुगने हो जाते हैं। आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये बात समझानी कितनी मुश्किल होगी। तो मेरे हिसाब से जो सेविंग्स का एलोकेशन करेंसी नोट की तरफ गया है उसे अगर हम रोक दें तो डिपॉजिट ग्रोथ काफी तेज हो जाएगा। दूसरी चीज वीरू भाई, जो हुआ है कि सरकार पहले अपना सरप्लस मनी बैंक अकाउंट में रखती थी, अब वो बैंकों से हर दिन शाम को ट्रांसफर करके आरबीआई अकाउंट में रखती है। ऑन एन एवरेज भारतीय सरकार का कैश बैलेंस 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास प्रतिदिन रहा होगा। अब जब आपने इतना पैसा सिस्टम से निकाल दिया तो ऑब्वियसली उसके डिपॉजिट ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगी। अगर हम 3 का मनी मल्टीप्लायर पकड़ ले तो यह तकरीबन 2 लाख करोड़ × 3 6 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ × 3 9 लाख करोड़ के आसपास की इंपैक्ट है। सालाना डिपॉजिट ग्रोथ 18 लाख करोड़ के आसपास होती है। तो बैंकों को सरकार के पास जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते जिसमें आपका पैसा आरबीआई की जगह हमारे पास रहे। मैंने तो प्री बजट कंसल्टेशन में फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, सरकार हमारे लिक्विड फंड में पैसा लगाए, ब्याज भी मिलेगा, 2-3 लाख करोड़ के ऊपर अगर 5% रिटर्न भी पकड़ ले तो सालाना 10 से 15 हजार करोड़ की इनकम हो जाएगी। तो ये जो सरकारी कैश बैलेंस बढ़ रहा है सिस्टम के बाहर, उसकी भी डिपॉजिट ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ रही है। और तीसरी चीज वीरू भाई, सोने की है। हम इतनी मात्रा में सोना इम्पोर्ट करते हैं और फिर वो तिजोरी में चला जाता है। सोने के लिए जो डॉलर देते हैं उसके रुपये तो हम यहीं से पेमेंट करते हैं। तो सरकारी कैश बैलेंस, सोने की आयात और करेंसी नोट, इसके पीछे बैंक डिपॉजिट्स की ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। अगर हम वहां पे फोकस कर सके तो मेरे हिसाब से डिपॉजिट ग्रोथ वापस काफी तेजी से बढ़ सकती है। तो नीलेश भाई, इस क्योंकि आपने बात की, थोड़ा आप क्या निराश हुए जो सोने पर ड्यूटी कम कर दी और सोने को उल्टा और सस्ता बना दिया, और सोना इम्पोर्ट होगा इससे? तो अनुज भाई, अगर नहीं सोने की ड्यूटी कम करते तो गोल्ड स्मगलिंग को बढ़ावा मिलता, और बोने और सोने के ऊपर ड्यूटी कम कर दी तो जैसा आपने कहा लोग खरीदारी चालू कर देंगे। तो हमारी चॉइस तो डेविल एंड डीप सी के बिटवीन है, और इसके लिए अनुज भाई आप जैसे लोगों की बहुत सहायता चाहिए। आप लोगों को समझाइए कि सोने में निवेश जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा निवेश सोने जैसे एंटरप्रेन्योर में कर सकते हैं। आज अगर देखे तो कहीं डायरेक्ट स्टॉक्स में, कहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में काफी बढ़िया रिटर्न मिला है सोने के मुकाबले। एंड एक और चीज अनुज भाई, हमने हमेशा बाजार में देखा है कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो भाव आसमान को छू सकते हैं, बट जब उसी चीज में सप्लाई आती है तो भाव जमीन पे आ जाते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े ओनर है सोने के, 25-30 कितने हजार टन सोना पड़ा है भारत में, किसी को नहीं पता। हम अगर बेचने निकलेंगे तो हमसे खरीदेगा कौन? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लेने से ही भाव बढ़ते रहे, रिटर्न दिखता रहे और जिस दिन एनकैश करने निकले हाथ में वो रिटर्न नहीं आए। देखिए, ये बात तो मैं आपकी मान गया कि इक्विटीज ने ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो वो चीज़ तो क्लियर है। अच्छा नीलेश भाई, आप एक सेक्टर जो वापस एक कमबैक कर रहा है वो है आईटी। हालांकि वो जो इंफोसिस के ऊपर नोटिस आया था उसने शायद थोड़ा मूड माहौल बिगाड़ा था, लेकिन अब इस सेक्टर में क्या मौके हैं, क्या वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं अभी भी?
सो अनुज भाई, आईटी क्षेत्र हमें अच्छा लगता है बट बॉटम अप बेसिस पे। आज आईटी में अगर आप एक एआई इनेबल्ड, एआई सपोर्टेड बंदे को रिक्रूट करो तो वो तकरीबन पुराने आईटी के 10 बंदों जितना काम कर पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत इजाफा हो रहा है, बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अब कौन सी आईटी कंपनी अपने वर्कफोर्स को एआई इनेबल्ड करके, एआई सपोर्ट करके मोर प्रोडक्टिव, मोर फास्ट बना पाएंगे? वो अपने क्लाइंट को सस्ते सॉल्यूशन दे पाएंगे? तो ऐसी आईटी कंपनी में निवेश करिए जो फ्यूचर रेडी है, रादर देन जो डायनासोर की तरह अभी भी पास्ट लॉरल्स पे बैठी है। ओके नीलेश भाई, एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आज हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी शुरुआत हो रही है, तो उस पर बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस यानी MOAGIC का बाजार को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दो दिन की ये कॉन्फ्रेंस बेहद खास है क्योंकि ये 20वां सालाना इवेंट है। सोमवार से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में नए उभरते ट्रेंड्स, थीम्स और सेक्टर्स पर खास चर्चा होगी। 100 से ज़्यादा CEOs और 120 से ज़्यादा FIIs इसमें शामिल होंगे। ये इस कॉन्फ्रेंस को देश की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बनाता है। बड़े निवेशक भी इसमें शामिल होंगे और नॉर्मली मैं खुद जाता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में जायज़ा लेने के लिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ रजत राजघड़िया और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ सेल्स सचिन शाह ने जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। तो रजत जी, पहले तो बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस में इस बार क्या खास रहने वाला है? जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि जिस तरीके के CEOs आ रहे थे, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, काफ़ी शानदार नाम है, लेकिन आपके तरफ से जानना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या खास रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। सो अनुज, जैसा आपने कहा, ये हमारा 20वां साल है इस कॉन्फ्रेंस का। एंड मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, 2005 में हमने जब ये शुरू किया, आज 2024 20 साल में इस कंट्री की बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ जर्नी एंड मार्केट कैप ग्रोथ जर्नी के हम एक बहुत बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। जब हम 2004-05 में करते थे तो उस समय सोचते थे कितनी कंपनीज बिलियन डॉलर क्लब के मार्केट कैप वाली कॉन्फ्रेंस में आ रही है। आज 20 साल बाद हम सोच रहे हैं कितनी 100 बिलियन डॉलर वाली मार्केट कैप कंपनीज कॉन्फ्रेंस में आ रही है। सो इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा थीम है कि आज भारत एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया में साइज और ग्रोथ दोनों ऑफर कर रहा है। अगर आप दुनिया की जितनी इकोनॉमीज देखें तो उनमें या तो किसी के पास साइज़ है, किसी के पास ग्रोथ है। हम एक ऐसे देश है जिनमें साइज़ और ग्रोथ दोनों ऑफर कर रहे हैं। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट थीम, आज जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब इतने डाइवर्सिफाई हो चुके, कोई भी एक सेक्टर मार्केट को बड़े तरीके से ऊपर या नीचे नहीं लेके जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, IT, फाइनेंशियल्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी, सब सेक्टर्स अपने अपने हिसाब से सालाना कॉन्ट्रीब्यूट करते। एंड तीसरा जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस में, डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टर्स सबसे बेस्ट है, बिकॉज जैसे आपने कहा 125 FIIs, करीबन 300 से 400 म्यूचुअल फंड्स के सारे इन्वेस्टर्स, देन इंश्योरेंस, पेंशन, फैमिली ऑफिस, HNI, इन सब लोगों के पार्टिसिपेशन से ये कॉन्फ्रेंस बड़ा बनता है। तो हर साल डाइवर्सिटी एंड साइज हमारे कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है। ये 20वां साल है, सो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो हमारा ओवरऑल पार्टिसिपेशन और लाइनअप है, ये पिछले 20 सालों के कंपेयर में इस साल सबसे बेहतर है। ओके रजत जी, एक सवाल और आपसे। हर बार जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें FII क्लाइंट्स नॉर्मली, हम उस एनवायरनमेंट में होते हैं जिसमें FII कंसिस्टेंटली इंडिया को बाय करते रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम में हो रही है जहाँ FII लगातार सेल कर रहे हैं, तो क्या FIIs का ऐसा क्यों मूड है? और जो आपकी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, क्या वो ज़्यादातर लॉन्ग ओनली फंड्स ही हैं जो अभी भी बाय कर रहे हैं? उनका इंडिया पर क्या मूड है इस समय? सो अनुज,
अगर आप FIIs को भी दो भाग में डिवाइड कर दें, एक जो इमर्जिंग मार्केट या पैसिव मनी मैनेज करते हैं, दूसरे जो एक्टिव स्टॉक आइडियाज़ को इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है जितने भी एक्टिव स्टॉक आइडिया इन्वेस्टर्स हैं FIIs, वो इंडिया में आज भी खरीद रहे हैं और पिछले महीनों से भी खरीद रहे। बट जिस हिसाब से दुनिया में और इमर्जिंग मार्केट में आपने रिडम्पशंस देखा है, खास करके द वे आसपास की इकोनॉमीज हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर पैसिव ETF और द बाकी कैटेगरी के जो FPIs है उनका नेट सेलिंग पहले भी रहा है एंड शायद जब तक ये माहौल नहीं ठीक हो तब भी रहेगा। ऑन एन ओवरऑल आई थिंक अगर आप एवरेज, मतलब एवरेज बेसिस के ऊपर FII से बात करेंगे तो उनका व्यू ऑन इंडिया पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। कुछ लोग भले थोड़े से वैल्यूएशंस को लेकर के वेट एंड वॉच मोड पे हैं, बट अब हम एक ऐसा मार्केट बन गए हैं जहाँ पर अभी लोगों को अपना एलोकेशन बढ़ाना ही पड़ेगा। वो आज बढ़ाए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो मुझे नहीं पता, बट आप इंडिया में FII का एलोकेशन केवल बढ़ते हुए देखोगे आने वाले सालों में। ओके अच्छा सचिन जी, गुड मॉर्निंग। मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि गुड मॉर्निंग, पहले हमारे दो पिलर्स हुआ करते थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स, लेकिन आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की श्रेणी में भी आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपके HNI क्लाइंट्स हो गए, रिटेल हो गया, स्पेशली ये जो HNI सेगमेंट है जो कि पहले शायद रियल स्टेट को काफ़ी चेज करता था, उनकी प्रेजेंस इक्विटी मार्केट्स में कितनी बड़ी है और इस कॉन्फ्रेंस में आपकी कितने HNIs इन्वाइटेड हैं और अभी तक उनके इंटरेक्शन आपको लगा क्या है? मतलब वो पिलर जो एक जिसने पिछले लगभग 3 साल में हमारे डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया, वो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको इस वक्त? सो इसमें हमारे कॉन्फ्रेंस में HNI इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लगभग इक्वल लेवल का है। सो इन टर्म्स ऑफ उनका पूरा इंटरेस्ट अक्रॉस जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि सब में उनका इंटरेस्ट बहुत है और बहुत सारी मीटिंग्स इन HNIs और फैमिली ऑफिसेस ने मीटिंग्स ली हैं कॉन्फ्रेंस में। सो मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा और सरप्राइजिंगली जितना भी लोग बोल रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं, जो कि हैं, बट वो होने के बावजूद भी HNIs और फैमिली ऑफिस के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं। अच्छा रजत जी, एग्जैक्टली अब बात करते हैं रिटेल्स को लेकर। पहले शायद कभी जब बाजार में करीब 3-5% का रिट्रेसमेंट होता था, गिरावट होती थी, रिटेल शायद 6 महीने तक बाजार से दूर रहता था, अब वो म्यूचुअल फंड के थ्रू, अब वो डायरेक्ट एक्सपोजर हमेशा आई थिंक इस गिरावट का वो इंतज़ार करता है। इस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको, अगर मैं आपके बीते 1 साल का अनुभव जानूं, रिटेल ने इस बाज़ार को कैसे अप्रोच किया, जब जब डिप है, अब आप दो लास्ट इंस्टेंसेस में लीजिए, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स था, जिस दिन बजट था, रिटेल रिस्पॉन्स कैसा रहा है जब जब बाजार गिरा है तब? सो यू नो 20 साल पहले जब हम कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये थ्योरी बहुत कॉमन थी कि रिटेल हाई पे आके खरीदता है और लो पे आके बेचता है, राइट? मुझे लगता है पिछले 10 साल में इस थ्योरी को एकदम बड़े दरवाजे के अंदर लॉक करके चाबी को फेंक दिया गया है, राइट? आप रिटेल को नेट बायर ही देखते हो, यानी जो रिटेल का नेट बाइंग है इसके दो डाटा पॉइंट्स है। 5 साल पहले आपके टोटल डीमैट अकाउंट 2 से 2.5 करोड़ थे, आज आप 17-17.5 करोड़ पे हो, एंड जिस हिसाब से एवरी मंथ ये ग्रो हो रहा है, राइट, अगले कुछ सालों के अंदर ये हमको लगता है 25-30 करोड़ होते दिखता है, पहली बात ये। दूसरी बात, आप SIP फ्लोस तो ट्रैक कर ही रहे हैं जो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, आज के दिन में 22-23 हज़ार करोड़ हो गया है, बट उसके अलावा जो इंश्योरेंस, पेंशन, डिस्क्रेशनरी PMS, ये सब भी रिटेल स्मॉल HNI का पैसा है। ये सब मिला करके मुझे लगता है महीने का 30-40 हज़ार करोड़, एक थोड़ा रेंज बड़ा दे रहा हूँ, बट 30-40 हज़ार करोड़ मंथली हो गया है। ये जो पैसा है ना, ये केवल मार्केट के लेवल को देख करके नहीं आ रहा है, ये आए जा रहा है हर साल, राइट? और तीसरी बात,
आज जो मार्केट है उसमें जब भी आप फॉल देखते हो, चाहे आपने भी जो दो डाटा पॉइंट बोला, इलेक्शन वाले दिन का डाटा पॉइंट सबके पास है, राइट, बाइंग द डिप हैज़ बीन द कैरेक्टर ऑफ द रिटेल नाउ, राइट, एंड आई थिंक हर बार उन्होंने ही आकर के इस मार्केट को सबसे बड़ा सपोर्ट दिया है जब भी वोलेटिलिटी आई है। एंड इसीलिए आप हमेशा देखे हैं कि जब भी ग्लोबली मार्केट्स भी गिरते हैं, इंडिया का मार्केट अंडर आउट परफॉर्म करता है, बिकॉज हमारे खुद के जो निवेशकों का पैसा है वो इस मार्केट में उस दिन जाकर के इसको सपोर्ट करता है। मुझे ये ट्रेंड चेंज होते नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ये इन्वेस्टिंग का कल्चर इंडिया में शुरू हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर, जो मुझे लगता है एटलीस्ट अगले 5 से 10 साल तक तो बरकरार रहेगा, ये नंबर यहाँ से बड़ा ही होगा। अच्छा सचिन जी, मैं लिस्ट देख रहा था आपकी कंपनी की, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो कीनोट स्पीकर्स हैं उसमें जो दो नाम मुझे स्टैंड आउट कर रहे हैं, उनमें एक हैं HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन और दूसरे हैं ट्रेंट की मैनेजमेंट। ट्रेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोतीलाल ओसवाल शायद एक इकलौती ब्रोकरेज रही है जिसने इस तेज़ी को सबसे पहले भांपा था और लगातार इसकी बात की थी। क्या उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए ऑलरेडी आपके इन्वेस्टर्स की लाइन लंबी लग चुकी है? क्या वो हाउसफुल रहने वाला है वहाँ पर? एक भी जगह एक भी कुर्सी खाली नहीं होगी, बाहर से और कुर्सियाँ ला के रखनी पड़ेंगी? तो अनुज, ट्रेंट का तो डेफिनेटली वो हाल है, बट हमारे इधर जितने भी CEO ट्रैक्स आ रहे हैं आई थिंक सब में यही हाल होने वाला है, बिकॉज जो इंटरेस्ट लेवल है अक्रॉस ऑल CEO ट्रैक्स, बी इट ट्रेंट हो, HDFC बैंक हो, डिक्सन हो, और बाकी GCPL है, बहुत सारे CEO ट्रैक्स जो हैं, सब में इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि शायद हमें काफ़ी चैलेंज आने वाला है सीटिंग्स के लिए। सो और ट्रेंट में तो ऐसा है ना कि इसने आउटलायर रहा है ये पूरे सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ उनका जो ग्रोथ रहा है, इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड बिग टाइम, एबिडा ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उसका पूरे सेक्टर से बहुत अलग रहा है। सो डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और आई थिंक स्टॉक भी आउट परफॉर्म करता रहेगा। इतना उसने कितना आई थिंक 80-85% अर्निंग्स केगर दिया है ओवर लास्ट 2 ईयर्स और उसके सामने स्टॉक ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना हो चुका है। सो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे स्पेस में और मुझे लगता है कि दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। ओके अच्छा रजत जी, एक और CEO ट्रैक जिसको मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, BSE के जो MD एंड CEO सुंदर रमन सर, वो क्या बोलने वाले हैं? क्योंकि वो भी समा बांध देते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और आपकी इस कॉन्फ्रेंस में शायद वो एक हाईलाइट बनने वाला है, तो उसके लिए भी आप शायद तैयार हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी स्पेस रिलेट हुई है, इंक्लूडिंग आपकी खुद की कंपनी, पूरी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सो अनुज, यू नो मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों से और अगले आने वाले कुछ सालों में कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स हैं, इंटरमीडियरीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, उन सब के लिए ग्रोथ आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, पहला ये। दूसरा, मुझे लगता है हमारे रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जितने स्टेप्स लिए पिछले कुछ सालों में, वो उसने इस मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रेंथन बनाया है, एंड जितने भी प्लेयर्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए हैं वो और बड़े बने हैं। आप BSE की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है पिछले 1.5 से 2 सालों में BSE ने जिस तरीके से अपना मार्केट शेयर गेन किया है इन द ओवरऑल टर्नओवर, वो इनक्रेडिबल है। उसी के कारण स्टॉक का बड़ा री रेटिंग भी हुआ है, एंड हमारे CEO ट्रैक में जब BSE के CEO प्रेजेंट करेंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक होगा। पहली बार हमारे कॉन्फ्रेंस में BSE के CEO प्रेजेंट कर रहे हैं, सो आई मस्ट शेयर दैट विथ यू। मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चंस है लोगों के माइंड में, नॉट जस्ट BSE क्या कर रहा है बट इंक्लूडिंग क्या रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, ये मार्केट को कैसे आने वाले दिनों या सालों के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा। सो ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक होने वाला है जिसके लिए इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं सुनने को। बिल्कुल, और हम आपसे जानना चाहेंगे उन्होंने क्या बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और आपको ऑल द बेस्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो अब बस शुरू होने वाली है। बात करते रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में,
और मोतीलाल ओसवाल से और गेस्ट हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए आज थोड़ा थोड़ा सा ओवर टाइम कर गए हम, नीरज जी आ गए स्टूडियो में।